मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक नशेड़ी की तरह बेसुध पड़े हैं और देश चल रहा। भाई जैसे वोट मांगने जाते हो ना, वैसे दवाई बांटने जाओ, और जैसे चुनाव के समय सब फ्री कर देते हो, दवाइयां, सब्जी, अनाज, किराना सब कुछ फ्री दे दो। अरे जब लोग ही नहीं बचेंगे तो टैक्स क्या चिताओं से वसूलोगे? सारे टैक्स होल्ड कीजिए इसी समय। जो सब्जी वाले, जो फल वाले आपके अधिकारियों को जूते के नीचे कुचले जा रहे हैं, उन गरीबों की कोई गलती नहीं है। हालांकि आप तो अब नहीं बचोगे, ये पक्का हो गया है, लेकिन जब तक कुछ तो बुद्धिमानी का परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, देश में लगातार केस बढ़ रहे हैं और इस महामारी के विकराल रूप की गूंज विदेशों में भी पहुंच गई है। कल इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल दी लासेंट ने कड़े शब्दों में मोदी जी की आलोचना की। जर्नल ने कहा कि मोदी जी की गलतियां माफी लायक नहीं है, सरकार को अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में छपे कार्टून और ब्रिटेन और अमेरिका सहित सभी बड़े राष्ट्रों ने मोदी जी की लापरवाही को ही कोरोना फैलने का जिम्मेदार बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक नशेड़ी की तरह बेसुध पड़े हैं और देश चल रहा है। जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही मोदी जी की बेसुरी बंसी बजती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेसी नेता शिकायतें बहुत करते हैं, कोई रास्ता भी सुझाइए। बताओ आप होते तो क्या करते? तो उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के एक एक ट्वीट और स्पीच को देखिए। देश का अकेला नेता है राहुल गांधी, जो इस महामारी के बहुत पहले से लगातार सरकार को संकेत दे रहा है। जानकारी 2020 में ही कोरोना की चेतावनी दे दी थी। देश में जब किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना है क्या, अरे खुद प्रधानमंत्री को नहीं पता था, जिनके पास दुनिया भर में फैली रॉ की कमांड थी, उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन राहुल गांधी ने बिना किसी सरकारी तंत्र के इतनी दूर से आती सुनामी देख ली थी। पर मोदी जी के अहंकार ने देश हित कुचल दिया और आज लाखों देशवासी हमें खोने पड़े। सिर्फ मोदी जी के अहंकार की बलि चढ़ गए हमारे भाई बहन। मोदी जी को अपने आगे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, एक प्रधानमंत्री के ये गुण नहीं होते हैं। इसलिए आज थोड़ा और विस्तार से एक बार रिपीट कर देता हूं कि कांग्रेस होती तो क्या करती। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेस्टिंग फुल स्पीड पर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहले टेस्ट कीजिए, फिर उनमें से जो पॉजिटिव आने वाले लोगों को आइसोलेट करवाए, फिर जिन घरों में पॉजिटिव केस हैं उनको सील करके उनके खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था घर पर ही करवाएं, वो भी निशुल्क करवाएं। फिर इसी के साथ वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। क्या उम्र है क्या नहीं, ये बिना देखे सबको वैक्सीन लगाई जाए, वो भी निशुल्क। जिन शहरों में मरीजों की संख्या ज्यादा है उन्हें सील किया जाए और फिर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की जाए। फिर हर शहर के नागरिकों को अनाज और सब्जियां उनके घर तक पहुंचाई जाएं और मजदूर वर्ग के लोगों को, भूमिहीन किसानों को, असंगठित क्षेत्र के लोगों को तुरंत न्याय योजना से जोड़ा जाए। हर महीने 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएं। अब इसी समय सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी फ्लाइट्स को मॉनिटर करके हर पैसेंजर की फ्रेश टेस्टिंग की जाए और 10 दिन का आइसोलेशन का नियम बनाए। लेकिन ये सब टोटल लॉकडाउन लगाने के बाद की बात है। इस समय जो मोदी जी कर रहे हैं वो नाकाफी है। ऑक्सीजन अस्पताल में बेड, जनरेटर अस्पतालों में भिजवाए जाएं, लोकल वेंडर से सप्लाई करवाई जाए, सिर्फ यही उद्योग खोले जाने की छूट दी जाए और इन उद्योगों में सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाई जाए, फिर वेपोराइजर और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन के पैक बनाकर हर घर में निःशुल्क भेजे जाएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास सभी नागरिकों के राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं,
वोटर कार्ड हैं। भाई जैसे वोट मांगने जाते हो ना, वैसे दवाई बांटने जाओ, और जैसे चुनाव के समय सब फ्री कर देते हो, दवाइयाँ सब्जी अनाज किराना सब कुछ फ्री दे दो, लोगों को पैसे की फिक्र नहीं होगी तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं, किसी को शौक नहीं है मौत के मुंह में कबड्डी खेलने का। जब घर में पैसे नहीं हैं तो कहाँ जाएगा आम आदमी? ईएमआई और घरों के किराए पर पाबंदी लगाई जाए और हर तरह का टैक्स बंद किया जाए। अरे जब लोग ही नहीं बचेंगे तो टैक्स क्या चिताओं से वसूलोगे? सारे टैक्स होल्ड कीजिए इसी समय। मोदी जी आपको क्या है, आप तो मशरूम खाओ काजू खाओ, लेकिन जिसके बच्चे भूख से तड़पते हैं उन पर क्या गुजरती है वो आप क्या जानो। इसलिए सबसे पहले लोगों के घरों में खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां घर तक फ्री पहुंचाएं। लोन की ईएमआई लॉकडाउन की अवधि के लिए और उसके आगे 2 महीने बाद तक के लिए रोक दी जाए। बस फिर क्यों कोई आदमी बाहर निकलेगा घर से? जो सब्जी वाले जो फल वाले आपके अधिकारियों को जूते के नीचे कुचले जा रहे हैं, उन गरीबों की कोई गलती नहीं है। जिसके घर में अनाज न हो वो कमाने जाएगा ही, भूखा थोड़ा ही मरेगा आदमी। इसीलिए इस समय टोटल लॉकडाउन और हर घर में जरूरी चीज़ों सहित दवाइयों की फ्री डिलीवरी करवाएं। फिर देखिए कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ज्ञान के ऊपर रोटी हावी हो जाती है। लोगों को रोटी की व्यवस्था कीजिए, ज्ञान सबके पास है। वैसे आप क्या समझोगे, लाल शरबत पीने वाले बेरहम इंसान क्या जाने बच्चे परिवार दोस्त और साथी क्या होते हैं? आपने तो सबको नीलाम कर दिया अपने लालच में, लेकिन अभी जितने लोग बाकी हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी जी के सुझाव मानिए और देश को बचा लीजिए। हालांकि आप तो अब नहीं बचोगे ये पक्का हो गया है, लेकिन जब तक कुछ तो बुद्धिमानी का परिचय दे दीजिए। कुछ मत कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें से हर बड़े दल से ऑल पार्टी बनाकर सभी बड़े नेताओं को उसमें रखा जाए। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, डीएमके प्रमुख, और चाहो तो संघ के लिए संघ को भी बुला लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इन सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए, सभी अपने हिस्से का काम करेंगे और आपको भी शर्मिंदगी से बचा लेंगे। फिर ना कोई शिकायत करेगा ना कोई दुख व्यक्त करेगा। करके दिखाइए अगर आप में हिम्मत हो तो। सुझाव समझ में ना आए हो तो राहुल गांधी जी से मिल लीजिए, उनसे ही रणनीति बनवा लीजिए। हमें अपने नेता पर पूरा भरोसा है, इसीलिए किसी भी समय देश के लिए तैयार हैं राहुल गांधी। हालांकि आपके अहंकार में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जो साथी ये कह रहे हैं कि कुछ करके दिखाइए, तो उन्हें हमने बता दिया है कि हम होते तो क्या करते। अब कोई ना करे तो किसका सगा है, जाहिर हो जाएगा। सो अब बोलिए अपने मोदी जी से कि कांग्रेस जिम्मेदारी लेने को तैयार है, दे दीजिए हमारे हाथों में देश की कमान। अरे प्रधानमंत्री आप ही रहोगे, हमें बस कोरोना से निपटने तक का अधिकार दीजिए, हम देश को बचाना चाहते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस।